इधर जमशेदपुर में भी 20 केंद्रों पर जांच की प्रक्रिया चल रही है। जिले में 80 जांच केंद्र खोले गए हैं और जांच केंद्र पर लिए गए सैंपल की रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर दी जा रही है। तो रैपिड टेस्ट है ये, मरीज को रिपोर्ट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, सीधे जमशेदपुर का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो 10,000 संदिग्धों की जांच का लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए क्या कुछ होता नजर आ रहा है। जी प्रभात। जी दीपक, देखिए बता दूं कि पूरे अगर पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो करीब करीब 80 केंद्र बनाए गए हैं शहरी और ग्रामीण को मिलाकर, और शहर में 20 केंद्र बनाए गए हैं जहां कोरोना सैंपलों की जांच की जा रही है। शहर के विभिन्न स्कूलों में, सामुदायिक भवन में ये व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा, और वहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जिन लोगों को भी थोड़ी सी भी लग रही है कि मुझे संदिग्ध है या मुझे कुछ सिम्टम है, ऐसे में पहले टेस्ट कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यह तैयारी, यह व्यवस्था की गई है और लोग सेंटर में पहुंच भी रहे हैं और जांच भी करा रहे हैं और जांच के साथ 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो लक्ष्य है कि 1 दिनों में 10,000 टेस्ट करके टेस्ट करना है, तो वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। हालांकि देर शाम तक पता हो चल पाएगा कि कितने टोटल टेस्ट हुए हैं पूर्वी सिंहभूम जिले में, लेकिन लोग कहीं ना कहीं पहुँच रहे हैं और टेस्ट भी करा रहे हैं। और जो लोगों के मन में पहले एक भ्रम था कि हम टेस्ट कराने कहाँ जाएं, बहुत सारे लोग परेशान रहते थे कि कहीं भी थोड़ा वो सिम्टम है उसे कैसे टेस्ट कराए, या फिर TMH जाए या फिर MGM जाए, वहाँ पहले टेस्ट कराने में पैसे भी लगते थे। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरी फ्री व्यवस्था की है और कोई भी लोग है, अब तो छोटे छोटे बच्चे को भी लेके पहुँच रहे हैं और उसको टेस्ट करा रहे। तो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। तो कहीं ना कहीं जो लोग संदिग्ध लोगों की टेस्ट में रफ्तार आएगा, जैसे ये कहा जा रहा था कि पहले की जो टेस्ट की रफ्तार थी कम थी, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से टेस्ट सेंटर बढ़ाए गए हैं और आज तो अलग अलग जगहों पर टेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये कहें सरकार की अच्छी पहल है। 10,000 का टारगेट है, ये शाम तक पता हो पाएगा कि कितने लोगों का टेस्ट हो पाया, लेकिन लोग सेंटर में पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे सेंटर है जहां जांच करने वाले अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। 12 बजे से लेकर कहीं कहीं 3 बजे का समय दिया गया है, उस बीच में लोग पहुँच कर अपनी टेस्ट वहाँ सैंपल दे सकते हैं। बिल्कुल प्रभात, ऐसे में एक चीज और चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, आप ये जानकारी दें कि टेस्ट कराने वाले वो कौन लोग हैं, क्या उन्हें प्रशासन ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर पहले से चिन्हित किया है, उन्हें सूचित किया गया है कि आपको जांच कराना अनिवार्य है, या फिर कोई भी व्यक्ति केंद्र पर पहुंचकर अपनी जांच करवा सकता है अपने बारे में जानकारी देकर? बिल्कुल दीपक, देखिए कोई भी व्यक्ति जाकर, इसीलिए सरकार प्रशासन ने ये आज जो कैंप लगाया है 1 दिन का, कोई भी व्यक्ति है, जरूरी नहीं है किसी का ट्रेवल हिस्ट्री है या उस कहीं से कहीं वो बाहर से आया हो या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री रहा हो, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाकर अपना सैंपल देकर टेस्ट करा सकता है। लोगों के मन में पहले ऐसा रहता था कि पता नहीं कहाँ जाकर टेस्ट कराए, इसलिए कि किसी कोई भी लोग, चाहे वो ट्रेवल हिस्ट्री हो या ना हो, आम आदमी भी जाकर अपना टेस्ट करा सकता है। और न्यूज 11 भारत भी अपील कर रहा है कि शहर के विभिन्न जगहों पर, जमशेदपुर शहर के विभिन्न 20 जगहों पर टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं जहां लोग जाके, जैसे सोनारी, कदमा, बिष्टुपुर, सिद्धगोड़ा, बारीडी, हर एक जो क्षेत्र है वहां जाकर अपना सेंटर बनाया गया, वहां जाकर टेस्ट करा सकते हैं और आराम से टेस्ट करा सकते हैं। किसी तरह कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वहां पर टेस्ट किया जा रहा है और टेस्ट करने के बाद 1 घंटे बाद में उसको रिपोर्ट भी दी जा रही है। बिल्कुल। एक और चीज जो दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि आप बताएं, जमशेदपुर के लोगों के लिए आप बताएं, क्या ये जांच प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर मिल जा रही है, यानी कि संदिग्धों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है रिपोर्ट के लिए? बिल्कुल, देखिए दीपक, ये पूरी तरह निःशुल्क है, क्योंकि कल ही उपायुक्त ने कहा, ये बताए थे कि कल जो 20 जगहों पर जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर पूर्णतः निःशुल्क है, कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा और आपको 1 घंटे के अंदर भी रिपोर्ट दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए आप 1 घंटा वेट नहीं कर सकते तो आपके मोबाइल पर आपकी रिपोर्ट को भेज दी जाएगी, चूंकि जब आपका टेस्ट लिया जाता है तो उस समय मोबाइल नंबर लिया जाता है, आपकी टेस्ट रिपोर्ट को मोबाइल में भेज दिया था। इसलिए जिले वासियों से न्यूज 11 भारत भी अपील करता है कि जितने भी सेंटर बनाए गए हैं वहाँ आप
जाएं, फ्री में इलाज टेस्ट कराएं, कोई पैसा नहीं देना है। प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो सके, लोगों के मन में जो भ्रम है कि हमें कहीं कोरोना तो नहीं है, जरा भी कहीं। बिल्कुल, और इसके साथ ही प्रशासन को भी ये अंदाजा हो जाए कि कितनी संख्या में संक्रमित उनके क्षेत्र में है, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में, और उसी हिसाब से क्या चिकित्सकीय बंदोबस्त किया जाना चाहिए, इसकी भी तैयारी पहले से कर ली जाए। प्रभात, हालात पर नजर बनाए रखें, इन ताजा तस्वीरों के लिए और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी तरह से ये जांच प्रक्रिया निःशुल्क चल रही है, 4 जिलों में फिलहाल ये स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, तो आप भी अपने नजदीकी केंद्र में जाएं और जांच कराएं और किसी भी तरह के संशय से मुक्त हो जाएं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।